दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि गूगल क्रोम में आप किसी भी साइट को ओपन करते हो तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एक एरर देखने को मिलता है कि दिस साइट कांट बी रीचेड। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने तो उसमें बताया था, लेकिन उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप क्रोम में जा कर के आप क्लियर हिस्ट्री, क्लियर डाटा करके वहाँ से जो है आप उसको सही कर सकते हो सेटिंग्स पे आ करके। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग का वहाँ पे जो है मुझे कमेंट आ रहा है कि संजय भाई ये प्रॉब्लम मुझे इसके बाद भी नहीं सॉल्व हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आपको ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। अब आपको मैं कुछ अलग सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन करना है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आपको जो ये चैनल पे सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो सब देखने को मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको सिंपली सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऐप्स वाला सेक्शन मिल जाएगा। हो सकता है आपके फोन में ऐप मैनेजमेंट लिखा हो या तो ऐप लिस्ट, तो सिंपली आपको ऐप वाले पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना जो है यहाँ पर मैनेज ऐप्स पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोम। जैसे आप क्रोम सर्च करोगे तो आपके सामने क्रोम आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लियर डाटा का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको जो है पूरा का पूरा पहले क्लियर कैचे करना है। और मैनेज स्पेस पे क्लिक करके नीचे एक क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करके क्लियर कर देना है। फिर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके क्रोम ब्राउजर में जो भी छेड़खानी आप किए होंगे, इधर उधर हो गया होगा, जो भी गलती मिस्टेक हुआ होगा, वो सब कुछ सही हो जाएगा और वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लॉगिन करके उसको फिर से यूज कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।